नमस्कार विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग पर विचार किया था। इस बार हमारी चर्चा का विषय है शब्द युग्म। समान सा उच्चारण किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द, जो उच्चारण में कुछ कुछ समानता रखते हैं लेकिन अर्थ में उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण लेखन में काफ़ी समानता लिए हुए होते हैं किंतु थोड़ी सी भिन्नता से भी उनके अर्थ नितांत अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के शब्दों के उच्चारण एवं लेखन की समानता असमानता और अर्थ भिन्नता के प्रति विशेष जागरूकता नहीं दिखाई जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए भाषा की शुद्धता की दृष्टि से इस प्रकार के शब्दों की विशेष जानकारी होना आवश्यक है और इसीलिए यह व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। शब्द का अर्थ मूलतः उसके प्रयोग में निहित रहता है, अतः परीक्षा में भी शब्द के अर्थ को वाक्य में प्रयोग करके स्पष्ट करना आवश्यक होता है या करना चाहिए। हिंदी में ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनको हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखेंगे, जिनमें उच्चारण की दृष्टि से बड़ी समानता होती है, लेखन की दृष्टि से बड़ी समानता होती है, थोड़ा सा ध्वनिगत अंतर होता है, बहुत मामूली सा अंतर होता है, लेकिन उनमें अर्थ में भिन्नता होती है। अगर हम अर्थ को नहीं जानेंगे तो उन शब्दों का आपस में एक दूसरे के संदर्भ में प्रयुक्त कर दें और वह अर्थ को व्यक्त नहीं करेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसे शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, ऐसे शब्दों की जानकारी होना जरूरी है। आज हमारी यह चर्चा इसी पर आधारित है और इस पर, इस विषय पर, इस बिंदु पर यह हमारी पहली चर्चा है। तो चलिए अब हम देखते हैं ऐसे शब्दों को जो उच्चारण की दृष्टि से समान है, समानता है, कुछ समानता है लेकिन अर्थ उनका अलग अलग है, ऐसे उदाहरण देखते हैं। अंत और अंत्य। अंत का अर्थ समाप्त और अंत्य का मतलब नीचे का या अंत का। दोनों के उच्चारण में बहुत कुछ समानता है लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न है। अकुल और आकुल। अकुल का मतलब कुल रहित, जिसका कोई कुल नहीं हो, और आकुल का अर्थ व्याकुल, बेचैन। देखिए, और अमल और अम्ल, कितनी जो कि समानता है इन दोनों में। अमल का मतलब स्वच्छ यानी कि मल रहित, और अम्ल का मतलब खटास, खट्टा। फिर देखिए, अर्घ यानी मूल्य या पूजा का जल, और अर्ध्य पूजनीय, अकर न करने योग्य, और आकर खजाना या खान। अकर और आकर दोनों समान से हैं, शब्द हैं उच्चारण में, लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता है। अकर का अर्थ न करने योग्य और आकर का अर्थ खजाना। अग और अघ। देखिए, अग और अघ। अग का मतलब तो होता है सूर्य, पहाड़, अगम्य, और अघ, अघ यानी पाप, अज्ञ मूर्ख, और अगम जहाँ जाना संभव नहीं हो, अगम यानी जाना संभव नहीं। फिर देखिए, आगम और अगम। अगम का मतलब तो जाना संभव नहीं, और आगम का मतलब आगमन और पुराण, दो अर्थ इस शब्द के होते हैं, आगम यानी आगमन और आगम पुराण। और उधर अगम है, केवल अ की मात्रा, आ की मात्रा लगी है, जिसमें शब्द के अर्थ में अंतर आ गया है। अकृति
अकृति बुरा कार्य, अकृति बुरा कार्य, और आकृति, आकृति यानी कि बनावट। शब्द और उसका अर्थ। दूसरा है अमल अम्ल, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अखत और अथक, शब्द ध्वनि का विपर्य है केवल, अकथ जिसके बारे में कहा न जा सके, जिसके बारे में कहा न जा सके, और अथक जो थके नहीं। अयस और अयश, अयश और अयस, और अवश और अवश्य, ये चार शब्द ऐसे हैं जिनमें उच्चारण में बहुत ज़्यादा समानता है। अयश बदनामी, अयस जहाँ सलेट का आएगा लोहा, और अवश्य यानी कि विवश, और अवश्य यानी जरूर, ये चार शब्द हैं अयश अयस अवश्य और अवश्य, बदनामी लोहा विवश और जरूर, इस प्रकार से अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। अचिर और अजीर, अचिर और अजीर, अजर, तीन शब्द हैं। तो देखिए, अचिर यानी कि शीघ्र और नवीन, अजिर आंगन, और अजर देवता या जो बूढ़ा न हो। अंब और अंबु, अंब और अंबु, अंब का मतलब माता और अंबु यानी जल। फिर आगे देखिए, अगला यानी कि आगे का, और अर्गला रोकने की कील, अगला आगे का, अर्गला रोकने की कील। अब्ज और अब्द दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब्ज का मतलब होता है तो कमल, और अब्द का मतलब वर्ष। अमूल और अमूल्य, अमूल का मतलब बिना जड़ वाला, अमूल यानी बिना जड़ वाला, और अमूल्य अनमोल। अंगना, अंगना और अंगना, स्त्री और आंगन। अरक अर्क, दो सिमिलर से शब्द हैं। अरक का मतलब होता है शिवार या सत, और अर्क का अर्थ सूर्य। अगद और अंगद, अगद और अंगद, अगद का अर्थ होता है निरोग, अगद का अर्थ क्या होता है निरोग, और अंगद का मतलब बाली का पुत्र, रामायण का एक पात्र। अतर और अंतर, अतर का मतलब इत्र, सुगंधित पदार्थ, और अंतर यानी फर्क या भेद, और अनंतर, अतर अनंतर, और अतर अंतर और अनंतर, अनंतर का मतलब बाद में। अतप आतप, अतप और आतप, अतप का मतलब ठंडा और आतप का मतलब धूप। अब यहाँ पर अगर इन दोनों शब्दों का आपस में विपर्य रूप में समान समझ करके प्रयोग कर दिया जाए तो अर्थ भी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अतप का मतलब ठंडा और आतप का मतलब धूप। फिर देखिए, अचला पृथ्वी, अचल पर्वत, और अंचल आंचल। अचला पृथ्वी, अचल पर्वत या स्थिर, और अंचल आंचल। अज और अजा, अज का मतलब दशरथ के पिता का नाम या अजन्मा, और अजा का मतलब बकरी। आगत ने अगत, आगत दो शब्द हैं, अगत और आगत, अगत का मतलब न गया हुआ, और आगत का मतलब आया हुआ।
अगत न गया हुआ और आगत का अर्थ आया हुआ, अजन्म और आजन्म इन दोनों में भी अंतर है। अजन्म यानी कि जो जन्म न ले और आजन्म यानी कि जीवन से जीवन भर। अजय अजिया दोनों समान से शब्द है, अजय और अजिया। अजय का मतलब न जीतने योग्य और अजया यानी भांग या बकरी। अगर आगार आगर तीन शब्द है समान से प्रतीत होने वाले। अगर का मतलब धूप बत्ती, आगार का मतलब स्थान और आगर का मतलब आकर या ढेर। अक्ष और अक्षी, अक्ष का अर्थ तो धुरी और अक्षी का मतलब आंख। आगे देखिए, अक्षी आंख वाली, अनावर्त और अनावृत्त। अनावर्त न दोहराया हुआ, अनावर्त न दोहराया हुआ और अनावृत्त यानी न ढका हुआ। अनाचार और अत्याचार, अनाचार का मतलब अयोग्य आचरण और अत्याचार का मतलब अति पूर्ण बुरा आचरण। अति से युक्त कोई बुरा आचरण हो तो वह अत्याचार की श्रेणी में आता है। अंजन और अजन दो समान से प्रतीत होने वाले हैं, थोड़ा सा ध्वनि भिन्नता है। अंजन काजल और अजन जन रहित या सुनसान। अवनी अवन, अवनी का अर्थ पृथ्वी और अवन का अर्थ रक्षा या प्रसन्नता। अपमान उपमान दो साधारण से सिमिलर से शब्द है। अपमान यानी कि निरादर और उपमान जिससे तुलना हो, जैसे उपमान अलंकार होता है। अनुसार और अनुस्वार, अनुसार का अर्थ तो होता है अनुकूल और अनुस्वार यानी अनुस्वार एक चिन्ह विशेष है। अपकार और उपकार, अपकार का मतलब बुराई, उपकार यानी भलाई। कितना अंतर हो जाता है। अद्य आद्य, अद्य अद्य यानी आज और आद्य यानी पहला। अवमर्श अवमर्श अपलक, देखिए दोनों जो कि शय शय का अंतर है। तो पहले का अर्थ हुआ आलोचना प्रत्यालोचना और दूसरे का स्पर्श या संपर्क। अपलक अपलोक, अपलक का मतलब टकटकी लगाकर देखना। अप जैसे कहते हैं कि अपलक दृष्टि से देखना, यानी कि अपलक यानी कि टकटकी लगातार लगाकर देखना। और अपलोक यानी कि अपवाद या बदनामी, इस लोक में बदनामी। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब जानकार विशेष जानकार और अनभिज्ञ अनजान। थोड़े से अंतर में अर्थ में जो कि अंतर आ जाता है। विज्ञ जानकार, अविज्ञ मूर्ख, अभय निडर यानी कि बिगैर भय के, अभया यानी देवी या हरण। उभय दोनों अनुभव तजुर्बा। अभिनव नया और अभिनय नाटक आदि में भूमिका अदा करना। असी और अस्सी, असी का अर्थ तलवार और असी का मतलब तलवार और अस्सी का मतलब एक संख्या विशेष, एट आठ और जीरो अस्सी। अव्यय अवयव, अव्यय का मतलब अविकारी शब्द और अवयव अंग। अभिहित कहा हुआ, अविहित या अनुचित न किया हुआ। अमित और अमित, अमित का मतलब बहुत। अमित शत्रु। अंश कंधा और अंश भाग या हिस्सा। अर्चन अर्जन, अर्चन का मतलब पूजा और अर्जन का मतलब संग्रह। अवधूत और अधूत,
समान से शब्द है, साधु सन्यासी, अवधूत का मतलब साधु सन्यासी और अधूत का मतलब निडर। आहार, आहार, आहार का मतलब तालाब या पोखर और आहार का अर्थ भोजन। अहेर, अहेर का मतलब शिकार। अतल, अतुल, दोनों साधारण से मतलब समानता है इसमें। अतल का मतलब गहरा, बिना तल के, और अतुल जिसको तोला न जा सके वह अतुल। आशक्त, आशक्त और अशक्त, आशक्त का मतलब अनुरक्त या आकर्षित और अशक्त का मतलब शक्तिहीन या निर्बल। अस्त्र, हाथ से फेंकने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है और शस्त्र हाथ में रखकर काम में लिया जाने वाला हथियार। अश्व, घोड़ा, और इसका समान शब्द क्या है, अश्व यानी कि धनहीन। अश्व, पत्थर, अहम, अहंकार और अहम महत्वपूर्ण, जिसमें हलंत लगा हुआ है अहम में वह अहंकार, जिसमें नहीं लगा हुआ है महत्वपूर्ण। अस्थि, अस्थि, हस्ति, तीनों समान से प्रतीत होने वाले और अर्थ में भिन्नता। अस्थि यानी है या जिसका अस्तित्व है यानी कि अस्तित्वमान, और अस्थि यानी हड्डी, और हस्ति हाथी या अस्तित्व। अभिशार और अभिशार, अभिशार और अभिशार, एक में छोटी की मात्रा है एक में बड़ी की मात्रा है, लेकिन दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। अभिशार का मतलब प्रेमी से छिपकर मिलना और अभिशार आक्रमण करना। अमर्ष, अवमर्ष, अमर्ष का मतलब क्रोध और अवमर्ष का मतलब आलोचना। असार और आसार, देखिए असार का मतलब सार रहित या निरर्थक और आसार का अर्थ लक्षण या चिन्ह या फिर मूसलाधार बारिश। अभेद और अभेद्य, अभेद का मतलब अंतर रहित समान, और अभेद्य या न टूटने योग्य या जिसको भेदा नहीं जा सकता। अपेक्षा और उपेक्षा, बहुत अंतर है इन दोनों शब्दों में, समान से प्रतीत होने वाले शब्द है। अपेक्षा का मतलब आवश्यकता, उपेक्षा का मतलब अवहेलना या निरादर। अनिष्ट, 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 अनिष्ट का मतलब बुरा और अनिष्ट निष्ठा रहित, अनिष्ट निष्ठा रहित। अनल, आग, और अनिल हवा। अष्टि और अष्टि यानी एक में छोटी की मात्रा है जिनको बोलना भी, जो कि अंतर करना भी बड़ा मुश्किल है। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, पहले का अर्थ है जिसमें छोटी की मात्रा है उसका अर्थ एक छंद विशेष और एक ही राग, अष्टि राग। अनु और अणु, अणु का मतलब एक उपसर्ग जैसे अनुकरण, और अणु का मतलब सूक्ष्म कण। असाध, कठिन, और असाधु यानी कि दुष्ट। असोच और अशौच, अशौच का मतलब बिना सोच के, और अशौच अशुद्ध। अनित्य और अनृत्य, अनित्य का मतलब नश्वर और अनृत का मतलब असत्य। अयुक्त और आयुक्त, अयुक्त का मतलब अनुचित और आयुक्त का मतलब कमिश्नर। अयोग और आयोग, अयोग का मतलब योग का जहाँ पर अभाव हो, और आयोग का मतलब कमीशन। अवर, अपर और अपार, देखिए अवर का मतलब नीचे का, अपर का मतलब अन्य, पहला या पिछला, और अपार का मतलब जिसकी सीमा न हो, असीम या विस्तृत। अंबुज, अंबुद, अंबुधि, तीन शब्द हैं और इनके उच्चारण में एक बारीक सी समानता है। अंबुज कमल, अंबुद
बादल और अम्बुधि समुद्र, अरबी और अरवी, अरबी का मतलब अरब की भाषा और अरवी एक कंद जो जमीन में लगता है जिसकी सब्जी बनती है, अवशेष अविशेष, अवशेष और अविशेष, अवशेष का मतलब बचा हुआ, अविशेष यानी साधारण सामान्य, और अशित और अशित, पहले का मतलब काला अश्वेत और दूसरे का मतलब खाया हुआ, सस्लेट और ससलगम का अंतर, अविलंब और अवलंब, अविलंब का मतलब अवलंब का अर्थ सहारा और अविलंब तुरंत बिना देर किए, और देखिए अवदान अवधान बहुत छोटा सा अंतर है, अवदान प्रशंसित कार्य और अवधान ध्यान या मनोयोग, अवरोध अविरोध, अवरोध अविरोध, अवरोध का मतलब रुकावट, अविरोध का मतलब बिना विरोध के, अवधि और अवधि और अवधि जो जिसमें छोटी की मात्रा है वह है समय सीमा, और अवधि जिसमें बड़ी की मात्रा है वह है हिंदी की एक बोली विशेष जो अवध प्रांत में बोली जाती है, जो अवधि भाषा है उसके लिए। तो आज यहीं तक हम पढ़ेंगे, अगली चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, आप ध्यान देते रहें। और ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है जिसमें हिंदी के शब्दों का बारीकी से ज्ञान होता है कि शब्दों के उच्चारण में एक समानता सी प्रतीत होती है लेकिन उनमें के अर्थ में दिन रात का अंतर होता है, ऐसे शब्दों का हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन्हें आप याद रखें। धन्यवाद।